हेलो फ्रेंड्स, प्री एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक का चर्चा करने जा रहे हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज का हमारा टॉपिक है थॉमस कप 2022। 2022 में थॉमस कप का आयोजन समाप्त हो गया है, तो अब देखते हैं कि इसके बारे में क्या क्या इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है जो एग्ज़ाम में आने हमेशा अक्सर आते हैं एग्ज़ाम में। चलिए देखते हैं ये जो थॉमस कप 2022 है ये किस चीज़ से संबंधित है। तो यह बैडमिंटन खेल से संबंधित है और इस बैडमिंटन खेल में ओनली पुरुष खेलते हैं। और सेम इसी तरह एक उबेर कप भी होता है जो बैडमिंटन से ही संबंधित है बट उसमें महिलाएं खेलती हैं। तो आपको समझ में आ गया कि जो थॉमस कप होता है वो पुरुष खेलते हैं और जो उबेर कप होता है महिला खेलती है। दोनों बैडमिंटन से ही संबंधित ये दोनों कप, थॉमस कप और उबेर कप। आपको बता दें कि थॉमस कप की शुरुआत है 1949 में हुई थी। पहले यह जो थॉमस कप का आयोजन होता था 3 साल में होता था, लेकिन 1982 से अब 2 साल में इसका आयोजन होता है। जो थॉमस कप के जनक कौन हैं, यह हैं जॉर्ज एलन थॉमस, यही थॉमस कप के जनक हैं। 2022 में थॉमस कप का विजेता कौन है, भारत। फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि भारत 2022 में थॉमस कप का विजेता है, जो बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। पहली बार भारत ने थॉमस कप जीता है, वो भी 73 वर्ष में पहली बार जीता है। और इसने किसको हराया, इसने इंडोनेशिया को हराया। बहुत ही मतलब अचंभों की बात है, इंडोनेशिया जो है आज तक सबसे ज़्यादा थॉमस कप जीता है, लगभग 14 बार इसने कम्प्लीटली जीता है। उसको हरा कर भारत ने इस बार अपने नाम खिताब कर लिया 2022। फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि भारत ने इस कप को जीता है और इस वजह से यह बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बन गया है, तो यह बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आपको बता दें कि इसका आयोजन बैंकॉक में हुआ है। बैंकॉक जो है थाईलैंड की राजधानी है, तो कौन सी कंट्री में हुआ, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में इसका आयोजन हुआ है। जो इसका आयोजन है ये 32वां नंबर का है, इसका संस्करण जो है 32 है और इसमें 16 देशों की टीमों ने भाग लिया था। और आपको बता दें इसके पहले जो इसका आयोजन हुआ था 2020 में हुआ था, क्योंकि अब 2 साल में होता है, 1982 से पहले 3 साल में आयोजन होता था। 2020 में जो आयोजन हुआ ये आरहुस में हुआ था, डेनमार्क कंट्री में, और उसमें विजेता इंडोनेशिया था और उप विजेता चीन था। और आपको बता दें कि आज तक सबसे ज़्यादा किसने जीता है थॉमस कप, इंडोनेशिया ने जीता है 14 बार, जो मैंने आपको ऊपर ही बताया, और चाइना ने जीता है 10 बार। और भारत ने पहली बार जीता है 2022 में, वो भी इंडोनेशिया को, जो सबसे ज़्यादा विजेता है उसको हराकर जीता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है। देखो, हम BAI बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के बारे में कुछ चर्चा कर लें। तो इसके अध्यक्ष हेमंत बिस्वा शर्मा है, जो कि दोबारा बने हैं, है ना। और इसकी स्थापना 1934 में हुई थी, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की, और इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। अब इसी की विश्व स्तरीय एक संस्था है BWF, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, जिसकी स्थापना 5 जुलाई 1934 को हुई थी और इसका मुख्यालय कुआलालंपुर मलेशिया में है, और इसके अध्यक्ष पॉल एरिक होयर लॉर्सन हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर कीजिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत आपके मोबाइल पर मिल सके। तो ऐसे ही बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स करंट अफेयर से रिलेटेड आपको पढ़ाया जाता है, और डेली करंट अफेयर की सीरीज भी चालू की पढ़ाई जाती है, उसको भी देखें। और कुछ मोस्ट टॉपिक्स जो हाईलाइट रहते हैं हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे इंडिया में, उसको भी पढ़ाया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।